एस से इन बेटियों के समर्थन में पूरे देश से महिलाएं आ रही। दिल्ली पुलिस परमिशन तो नहीं दी है ना भाई? देखिए वो आगे देखा जाएगा, जहां वो रोकेंगे। संसद भवन का जो नया संसद है उसका उद्घाटन होने जा रहा है कल के दिन, और पहलवान जो है वहाँ पर संसद में महापंचायत करने वाले हैं, महिला महापंचायत होगी। क्या कुछ रूपरेखा है इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पर जो जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं कल क्या आप लोगों का प्लान है, कैसे बॉर्डरों पर जुटने की जो अपील की गई है, कहाँ से कैसे मार्च करेंगे, उसके बारे में जानकारी बताइए। देखिए मैं सबसे पहले तो भाई ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ भी कहें क्यों, जब आज मेरी बेटियों को 34 दिन हो गए बैठे बैठे, पहले आई जनवरी में आई, ये पहले ही न्याय कर देते तो यहाँ आने की जनता की और हमारी और सबकी आवश्यकता क्यों थी। अब तो बात यह है एक, जब ये न्याय नहीं कर रहे और वो जो बृजभूषण शरण सिंह है तरह तरह के वीडियो डाल रहा है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, और उसने ये भी कह दिया मोदी जी कह दो, अमित शाह जी कह दो और नड्डा जी कह दो तो मैं अपने पद को छोड़ दूंगा। आप ये बताइए, जब तक ये था कि आप ही गुंडा है, अब तीनों का नाम ले दिया, जब भी उस बात पर गौर नहीं। तो संसद के लिए तो हमने 23 तारीख को आपने देखा होगा इंडिया गेट पर गए, आराम से शांति से गए, और हम शांति प्रिय आदमी है, किसान कभी झगड़ा फिसाद, मजदूर हो किसान हो, ये देश हमारा है, ये देश हमारी, मैं तो ये कह रहा हूँ किसान मजदूर की ताकत से खड़ा हुआ है। ये तो लुटेरे हैं, ये तो पूंजीवाद को बढ़ाते हैं, और हमारा जो खून चूसते हैं, हमको आज तक वही छान में छप्पड़ में पड़े, हमको दो पैसे का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी नीति खराब है। हम चाहते हैं कल भी जो हमारी महिलाएं और भाई छात्र नौजवान आएंगे, वो शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, अपना धरने देंगे और संसद के आगे बैठेंगे, पंचायत होगी वहाँ महिलाओं की, इसलिए पूरे देश से इन बेटियों के समर्थन में पूरे देश से महिलाएं आ रही। दिल्ली पुलिस परमिशन तो नहीं दी है ना भाई? देखिए वो आगे देखा जाएगा, जहाँ वो रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे, परमिशन नहीं देगी, जहाँ वो रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे, ये हमारा काम है। सारे बॉर्डरों पर निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भाई। देखिए हम तो आतंकवादी है नहीं, न पहले 13 महीने चला किसानों को आंदोलन, हमने एक पैसे का नुकसान नहीं किया, अब भी ये कितने भी दिन में माने, हमारा देश हमारा है, बस हमारी है, रेल हमारी है, कोई भी दो पैसे की चीज है वो हमारी, हम नुकसान नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय ढंग से अपने आंदोलन को चला रहे। अब ये मान जाए आज ही तो यह कल यहाँ से हम चले जाएं। पीएम मोदी उद्घाटन जो करने वाले हैं, वो तो उद्घाटन वो कर ही रहे हैं, उसी दिन आप लोग क्यों उसी टाइम पे क्यों कर रहे? देखिए सबसे पहले तो ये 28 तारीख जिसको ये वीर सावरकर कहते हैं, उसके नाम पर उद्घाटन कर रहे हैं। वीर सावरकर इतिहास तो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, अरे कोई भगत सिंह के नाम पर करते, सुभाष चंद्र जी के नाम पर करते, उनके नाम पर करते जिन्होंने देश के लिए बलि दी और जिन्होंने देश को आजाद कराया। वीर सावरकर तो अंग्रेजों का गुलाम था, उसने हाथ जोड़कर माफीनामा मांगकर अंग्रेजों से जेल से निकल कर आया, और 60 रुपये महीने की उनकी तनख्वाह थी। तो उनके नाम पर ये जो उद्घाटन कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति किस लिए बनाया जाता है? कानून कोई बनता है जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत उस पर नहीं होते, मोहर नहीं लगती, जब तक कानून पास नहीं होता। इन्होंने उसके लिए आधारशिला भी मोदी जी रखेंगे, क्यों फोटो जी भी है, और अपने नाम करना चाहते हैं मोदी जी इस काम को कर गया। भाई हम ये कहते हैं ये हमारा पैसा लग रहा है, आपका पैसा लग रहा है, इस भाई का पैसा लग रहा है, ये हमारे टैक्स से बन रहा है, और कर्ज किया है जो वो भी हम ही चुकाएंगे, उसे भी हमारी हम ही चुकाएंगे, जो कर्ज इन्होंने बाहर से लिया है। तो इन्होंने जो राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा ये जिसका वो होता तो सबको अच्छा लगता, ये अपने आप ही वाहवाही लूटना चाहते हैं। अरे अच्छा काम करिए, अच्छे काम के लिए तो पूरा देश कहेगा वाहवाही, भाई बढ़िया है प्रधानमंत्री, आज ये जो काम कर रहे हैं ये देश को अच्छा नहीं लग रहा है इनका, क्यों? इनको तो फोटो जी भी मैंने देखा है, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, बाबा
योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में उनका क्या काम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली में क्या काम। मैंने देखा फोटो छपवाए जा रहे हैं, ये बिना पैसे छप जाते हैं फोटो, जो कुछ होता है होल्डिंग बनाए जाते हैं बिना पैसे हो जाता है। ये पैसा किसका है? हमारे सब भारत के नागरिकों का है। तो इसलिए होल्डिंग को बंद करिए, आप जो करते हो वो सबको दिख जाएगा। लेकिन उन्होंने इतने मकान बनवाए, इतने बच्चों को रोजगार दिया, इतने बच्चों को हॉस्पिटल में इलाज कराया, इतने स्कूल बनवाए, वो तो है नहीं। जो कुछ धन है या तो सरकार गिराने में, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। मुझसे एक भाई कह रहा था, वो हमारा पंजाब का खेत काटने आता है, नो कह रहा हूँ लम्बरदार मैं मध्य प्रदेश में जाता हूँ, वह 30-30 करोड़ में एक एक MLA को खरीदा गया है। ये धन कहाँ से आ रहा है? ये धन सब हमारा है। तो ये इस तरह से जहाँ भी इन्होंने सरकार गिराई है, महाराष्ट्र में गिराई है, पैसे के बल से सरकार गिराते हैं। इनको कोई इस चीज़ से मतलब नहीं, प्रधान भी गांवों में इनका हो, मेंबर भी गांवों में इनका हो, सब कुछ इनका हो। अरे हो तो आपका, पर काम तो अच्छा करिए, काम आपका अच्छा नहीं, इस तरह से सरकार चुनी हुई को गिरा लेना, क्या देश आपको माफ़ कर देगा? लेकिन आप किसान आंदोलन में आप गाजीपुर बॉर्डर पे थे, उस टाइम पे माहौल देखे थे आप, वहाँ पे भीड़ थी, बहुत सारी चीज थे, अलग अलग बॉर्डरों पर लोग मौजूद थे। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे ही भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, फिर कैसे कल जाएंगे? जंतर मंतर एक दिल्ली है, अब यहाँ इतना आदमी कहाँ से जाएगा? ये बीच ही थोड़ा सा है। और क्यों, वहाँ भी ये कह दिया गया था कि लंबा चलेगा आंदोलन, वहाँ भी इतना आदमी नहीं रहता था, वहाँ 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, जब ज़्यादा ताकत इनको दिखानी पड़ती होती थी, महीना 15 दिन में इनको ये भी दिखा देते थे। अब ये ताकत ही देखना चाहते हैं, ताकत से काम नहीं चलता। एक आदमी की आवाज़ सुननी चाहिए, एक के साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज़ सुनिए, रिपोर्ट दर्ज कराइए और उस जालिम को पकड़कर जेल में डालिए। 26 जनवरी वाला जो माहौल हुआ था, कि क्या कल वैसे ही कुछ माहौल होगा? 26 जनवरी में इन्होंने किया जो कुछ षड्यंत्र इन्होंने किया, पूरे देश को सामने आ गया। इनका ये आदमी था जिसने जो किया वो सारे देश ने देख लिया। कल की बात ये है, अब चौकन्ना है, जो कोई RSS का, BJP का आदमी या इनका आदमी गुंडागिर्दी यहाँ से लताड़ा गया है कईयों को, करेगा उसको तुरंत अरेस्ट पकड़ के और उसे जेल में ठुकवाएंगे। ये है, ये मचा रहा है। बाबा रामदेव जो हैं, उन्होंने कहा है एक और कि ये पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं सारी चीज़ें, इनकी मांग जायज़ है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि संसद, नई संसद का घेराव नहीं करना चाहिए। एक ऐसे दिन जहां पर नई संसद तो ऐतिहासिक है, 5 लाख लोगों ने जो शहीद हुए उनके वजह से ये नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, तो उनका नाम होगा। देखिए बाबा रामदेव को जो कहना ही था तो यहाँ क्यों नहीं आए? वो तो ये भी बात हो सकती है, बृजभूषण शरण सिंह खपा है रामदेव से, अपनी टसल को निकाल रहा हो, और अगर करना ही है खुलासा तो यहाँ आइए, कहिए बेटियों के मुंह सिर पर हाथ रखिए, बेटी मैं इस अन्याय के खिलाफ हूँ और मैं आपके साथ हूँ। वो विरोध कर रहे हैं ना आपके वहाँ जाने का? नहीं, विरोध कैसे कर रहे, विरोध कोई नहीं है। ये तो जब संसद का, हम क्यों नहीं करेंगे भाई विरोध, क्यों नहीं राष्ट्रपति भी करवा लो, नेक भी विरोध नहीं है, ये सबसे बड़ा विरोध तो ये है। दूसरा, हमारी सुनाई नहीं हो रही तो हम तो सुनाएंगे, दिल्ली में आए हैं तो सुना कर जाएंगे। बाबा रामदेव तो बहुत लेट बोले, उनकी तो जीवनी सारी हमारी हरियाणा से है, सफीदों गुरुकुल कड़वा में, दड़ोली गांव में, वो बलदेव सिंह जी दे दो महाराज उनके पास रहते थे, ये वहीं से इसकी जीवनी शुरू हो रही है। ये तो बहुत लेट बोले, इन्हें तो 10 दिन पहले बोलना चाहिए था, ये बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन नई संसद का पे जो आप लोग जा रहे हैं उसके घेराव करने का विरोध किया है? नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो तो हमारे गुजरग बड़े जो यूनियन के प्रधान हैं उनके फैसले हैं, जो गुजरग फैसला लेते हैं वही जो फाइनल है। और फिर फैसला लिया है, हम नुकसान करने नहीं जा रहे, हम देश को जगाने जा रहे हैं। एक अगर देश इसी गर्दिश में रहा तो इस देश में बचेगा कोई नहीं, ये फूट डालो और राज करो। अब तक तो था इनका हिंदू मुसलमान का झगड़ा, अब ले आए जातिवाद का झगड़ा, ये जाति ठाकुर है, ये जाट है, ये ब्राह्मण, अरे देश सबका है, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय हो पूरा देश खड़ाया, जो है ब्राह्मण भी आ रहे हैं बेचारे, ठाकुर भी आ रहे हैं, जो बढ़िया ठाकुर है वो कह गए हम अन्याय के साथ नहीं। तो ये कितनी भी फेंक फेंके इनकी बातों को कोई मानने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।